मुलाकात अशोक शर्मा के साथ। राजनीतिक विश्लेषक श्री सुभाष शर्मा और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेंद्र शर्मा अखंड भारत साम्राज्य पार्टी। खास मुलाकात में राजनीतिक विश्लेषक श्री सुभाष शर्मा और अखंड भारत साम्राज्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेंद्र शर्मा के साथ कई गहन मुद्दों पर खास बातचीत हुई। नमस्कार, मैं अशोक शर्मा आज एक खास मुलाकात के साथ विशेष मेहमानों के साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं, जिसमें राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषक के रूप में श्री सुभाष जी शर्मा जो आज हमारे साथ उपस्थित हैं, इन्होंने हमें समय दिया। दूसरी ओर राष्ट्रीय अखंड भारत साम्राज्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी शर्मा भोपाल से हमारे स्टूडियो में पधारे, जिनका हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं और स्वागत करते हैं। आज हम एक खास मुलाकात के साथ रूप में विशेष चर्चा करेंगे कि देश में या समाज में जो उठापटक उथल पुथल जो जारी है, इस विषय में हम जानना चाहेंगे श्री सुरेंद्र शर्मा जी से, और उसका विश्लेषण के रूप में पक्ष रखेंगे श्री सुभाष जी शर्मा। तो शर्मा साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इस समय, जबकि उपचुनाव का समय है और आप नई पार्टी को लेकर के प्रदेश में उपस्थित हुए हैं, तो किस विचारधारा को लेकर उपस्थित हुए हैं? धन्यवाद अशोक जी, आपने स्टूडियो में बुलाया मुझे। आज देश में, राज्यों में, संभागों में, इवन गांव में त्राय त्राय मची हुई है। आज से 6 साल पहले एक बड़े नेता को देश ने प्रधानमंत्री बनाया, उस नेता पर इतना भरोसा किया कि शायद न अपने माता पिता पे किया हो, न शायद अपने बच्चों पे किया हो, पूरा भरोसा करके प्रधानमंत्री बना दिया। पूरे 5 साल रहे वो, 5 साल में जो भी किया उन्हीं को मालूम होगा क्या किया, फिर भी देश जुड़ा रहा उनसे। 6वीं साल में जब द्वारा प्रधानमंत्री बने, तब भी सोचा कि अब कुछ करेंगे देश के लिए, अब कुछ करेंगे बेरोजगारों के लिए, अब कुछ करेंगे किसानों के लिए, अब कुछ करेंगे मजदूरों के लिए, अब कुछ करेंगे जनता के लिए। मगर आज दिनांक तक मुझे नहीं लगता है कि किसी के लिए कुछ किया हो। ये तो एक देशव्यापी मुद्दा हो गया, देशव्यापी बात हो गई। अब आज जैसे उपस्थित आप हुए हैं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जैसे कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने भी आके वही उठापटक की जो आज शिवराज कर रहे हैं, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? एक कहावत कहते हैं गांव में, हमारे सभी गांव में, एक अंधा एक कोड़ी, राम मिलाई जोड़ी। बहुत 15 साल बीजेपी सरकार रही जी, 15 साल में बीजेपी सरकार ने सिवाय भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं किया, और जितने भी अधिकारी कर्मचारी, जितने भी लोग ठेकेदार, जितने भी लोग थे, उनका भय खत्म कर दिया भ्रष्टाचार कर करके। कोई कार्रवाई नहीं की, लोकायुक्त में कोई कार्रवाई नहीं, UOW में कोई कार्रवाई नहीं, मुख्यमंत्री से कोई कार्रवाई नहीं, शासन से कोई कार्रवाई नहीं, इसके बाद में जनता त्रस्त होने हो गई। लेकिन वो कहीं ना कहीं, जैसे शिवराज ने 15 साल शासन किया, 15 साल शासन करने के बाद आए दिन लोकायुक्त की कार्रवाइयाँ हुई प्रशासनिक अधिकारियों पर, उसका क्या रिजल्ट रहा? मुझे नहीं लगता है कि कोई कार्रवाई हुई हो, अगर कार्रवाई हुई होगी होती तो लोग सस्पेंड होते, लोग टर्मिनेट होते, लोग जेल जाते। मगर मुझे एक नियम निकाला था कि जिसके ऊपर संपत्ति आय से अधिक निकलेगी उसको जेल जाना पड़ेगा, मगर मुझे नहीं लगता है कि आज की डेट में कोई अधिकारी बड़ा माने सेकंड क्लास से और फर्स्ट क्लास तक का अधिकारी जेल गया हो। थर्ड क्लास का अधिकारी भले ही कर्मचारी जेल चला गया हो, पटवारी जेल चला गया हो, मगर बड़ा अधिकारी कोई जेल नहीं गया। अब इसी मुद्दे को लेकर के हम सुभाष जी के पास आएंगे, जो अपने विश्लेषण की विधि से हमें बताएंगे कि राजनीतिक उठापटक और प्रशासनिक उठापटक, क्या ये उचित है या अनुचित है?
सुभाष जी। धन्यवाद अशोक जी। जैसे आपने कहा कि राजनीतिक उठापटक और प्रशासनिक उठापटक दोनों ही देश के लिए खतरा हैं, क्योंकि राजनीतिक उठापटक जो होती है ना, वो उठापटक पूरे देश की जनता पर पड़ती है। जो हम टैक्स देते हैं, इस राजनीतिक उठापटक का असर हम तक आता है, गरीब तक जाता है, अमीर तक जाता है, हर व्यक्ति तक जाता है। और जो राजनीतिक उठापटक करते हैं उनको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मरेगा, किसके पास असर पड़ेगा, क्या होगा, किसको घाटा होगा, किसको बाड़ा होगा, कहाँ सरकार डूबेगी और कहाँ देश डूबेगा, उनको कोई लेना देना नहीं है। रही बात प्रशासन को उठापटक की, तो मध्य प्रदेश की जैसे आप बात करते हैं, तो अभी कांग्रेस की सत्ता रही 15 महीने जी, उस 15 महीने में उन्होंने घोर भ्रष्टाचार करके अपने अपने पदों पर हर अधिकारी को बिठाया, और यही बीजेपी उसको ट्रांसफर घोटाले का नाम दे रही थी, और सत्ता में घोटाला करके, भ्रष्टाचार करके, लोगों को खरीद के, विधायकों को खरीद फरोख्त करके सत्ता में आने के बाद वही बीजेपी उसी उद्योग को, ट्रांसफर उद्योग को जारी रखते हुए क्या जलवे कर रही है। रातों रात ट्रांसफर हो रहे हैं, मामा ने 2 माह 1.5 महीने करीबन क्या ट्रांसफर की है रातों रात, किस व्यक्ति को कहाँ बिठाना है। हम आपका ध्यान थोड़ा सा उस ओर और आकर्षित करना चाहेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों ही राजनीतिक दल जो हैं बड़े गंभीर और पुराने हैं, लेकिन इतनी बड़ी अनियमितता आखिर कैसे है? कि वो ही घोटाला उन्होंने किया, वही ये कर रहे हैं, वो उन्होंने किया जो ये कर रहे हैं, लेकिन कार्यवाही आखिर कब? अशोक जी, हमारे देश में बड़ी विडंबना है, जो हमारे बुजुर्ग कह के गए हैं वो सत्य है कि पुण्य की जो जड़ होती है वो पाताल में होती है, और भ्रष्टाचार की जड़ नस नस में है। तो बीजेपी क्या कांग्रेस, इनके दोनों के नस नस में भ्रष्टाचार व्याप्त है। अब उस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जैसे शर्मा जी की पार्टी का उदय हुआ है, कम से कम इसमें युवा जुड़ेंगे, इनकी जो विचारधारा है, इनकी जो सिस्टम है, इनसे हमारी जो बातें हुई हैं वो कम से कम धरातल पर उतरेंगी, तो शायद हो सकता है कि भ्रष्टाचार को भी घटाया जा सकता है, कम किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। क्या? लेकिन इच्छा शक्ति, युवाओं की इच्छा शक्ति से। क्या आपको लगता है कि जैसे नई पार्टी का उद्गम हुआ है, नई पार्टी ने कदम रखा है, तो इतने जो हाथी जो पल रहे हैं देश में, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो हाथी के रूप में फैली हुई हैं, क्या वो पैर पसारने का मौका देंगी? पैर पसारने का पार्टी पैर नहीं पसारेगी, जो जनता त्रस्त है, जिनको सिर पे सिरमौर बनाया है जनता ने, वही जनता इनको धराशायी करेगी, इनको वही जनता नीचे लाएगी, वही जनता इनको सबक सिखाएगी और इस पार्टी को आगे बढ़ाएगी। क्या होता है कि अभी कुछ पार्टियों का जन्म हुआ है और सामने से सत्ता आती आली जी, क्या वो जन्म से बड़े थे? लेकिन जनता ने बड़ा किया, जनता जो मुद्दे लेके आए थे उन्होंने हल किया। तो शर्मा जी से हम उम्मीद करेंगे कि जो मुद्दे लेके आए हैं उनको स्वतः ही हल करें, जनता ऑटोमेटिक जुड़ेगी आपसे। अब हम शर्मा जी से जानना चाहेंगे कि आपकी पार्टी, जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाला है और उससे ठीक समय पहले आप मध्य प्रदेश में आए हैं, तो युवाओं के लिए आप क्या करना चाहते हैं? जैसे आपने कहा कि हम युवाओं को लेके आगे आएंगे, युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, तो ये कुछ दिन पहले मोदी जी ने भी यही कहा था, शिवराज जी भी यही कहते हैं और कमलनाथ जी ने भी यही कहा था, तो आप इसमें कहाँ तक सफल रहेंगे और कितना करना चाहेंगे युवाओं के लिए? असम जी, आपने बहुत अच्छी नब्ज पकड़ी है। मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने राजनीति 35 साल से राजनीति करता हूँ, एक अखबार भी निकलता है मेरा स्वतंत्र समय नाम से, मगर जो हम कहते हैं, जो हम करेंगे वो हम कहेंगे नहीं। इन्होंने जनता का भरोसा तोड़ा है जी, युवाओं का भरोसा तोड़ा है, युवाओं के नाम से पहली बार प्रधानमंत्री बने, युवाओं के नाम से ही दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। तो ये प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि 65% युवा हैं हमारे देश में जी, और जिस दिन युवा ने ये सोच लिया कि प्रधानमंत्री जी आपने जो बोला वो किया नहीं, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए आप कि अखंड भारत साम्राज्य पार्टी का उदय होना, सूर्य उगना तय मान लीजिए। मैं आपसे इसी कड़ी में आगे जानना चाहूँगा कि जैसे युवाओं के साथ हर संभव हर कदम पर
भ्रष्टाचार की नींव रखी जा रही है, चाहे वो फॉर्म भरने के समय पे हो या नौकरी के समय पे हो या फिर किसी भी बात पे हो। जैसे अभी कोरोना के महाकाल में महामारी के समय पे लोग अन्य अन्य राज्यों में फंसे हुए थे, वहाँ से लोगों को बुलाया। कई जगह ऐसा हुआ कि जहाँ पर बीजेपी का शासन है और उन्होंने उन युवाओं से, उन बेरोजगारों से, मजदूरों से पैसा लेकर के उनको भेजा। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इस विषय में ये कहना चाहूँगा मैं, ये लॉकडाउन जो किया था जी, ये लॉकडाउन 15 दिन बाद होना चाहिए था, एक ऐलान होना चाहिए था, जैसे नोटबंदी का ऐलान हुआ था ना जी जी, कि साहब फलाने 12 बजे से नोट बंद हो जाएंगे। इसी प्रकार से 15 दिन का समय देते सारे युवाओं को, सारी मजदूरों को, सारी जनता को जी, 15 दिन में अपने अपने घर पहुंचती आराम से, कोई भगदड़ नहीं मचती, कोई दिक्कत नहीं आती। उस समय इतना कोरोना फैला भी नहीं था। तो क्या 15 दिन अगर रोकते ये अनाउंसमेंट करते तो क्या महामारी फैलने का बिल्कुल नहीं फैलती, कोई दिक्कत नहीं आती? माने जो स्थिति आज बन रही है वो पहले बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि उस समय मुश्किल से 100-200 पूरे देश में 1000-2000 कोरोना पेशेंट थे जी जी, वो भी बाहर से आए हुए थे, जो जनता को बाहर से लाए, हवाई जहाजों से लाए, जो 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 बच्चे पढ़ते थे उनको लाए, वो कुछ कुछ लोग तीर्थ करने आए थे, उनके साथ कोरोना आया था, हिंदुस्तान के साथ कोरोना नहीं था। मगर 15 दिन का समय पर्याप्त था और सब मजदूर अपने अपने घर पहुंचते आराम से और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आज जो खर्चा हो रहा है वो नहीं होता। अब हम इसमें सुभाष जी से जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में युवाओं का भविष्य क्या रहेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जैसे आपने कहा था कि नस नस में भ्रष्टाचार जा चुका है, फैल चुका है, तो आखिर इसका कहीं अंत होगा? पहले मैं शर्मा जी से एक प्रश्न आपने किया था उस पर थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूँगा जी। महामारी क्यों फैली? महामारी 15 दिन बाद यदि लॉकडाउन जैसे करते मोदी जी जी, तो महामारी फैलती या नहीं फैलती? तो पहली बात तो मोदी जी को ये ज्ञान ही नहीं है कि महामारी आई कहाँ से, कब फैली और क्यों फैली, और जिन्होंने फैलाई क्या उनसे मोटी रकम लेकर के सरकार ने उनको छोड़ रखा है? अमेरिका जैसा देश जी, बड़े युद्ध से लड़ रहा है, उसमें हमारे देश से कई ज़्यादा हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने दारू नहीं बिकवाई, उन्होंने सारे सिस्टम को नहीं तोड़ा। हमारे देश में क्या हुआ जी, पूरे देश से पैसे को बटोर लिया गया, इसके बावजूद भी वो भरोसे रहे दारू के, लॉकडाउन खोल दिया। अब बात आती है कि महामारी फैली कैसे? जिन मरकजधारियों को जी पूरे देश में फैलाया गया, इसमें पूरी तरह से सत्ता नाकाम रही, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो नाकाम रहा, क्योंकि जो लोग विदेशों से आए थे, 17 देशों से आए थे, उन देशों में पहले से ही महामारी फैली हुई थी, उनको आने कैसे दिया? मोदी जी बार बार झूठ बोलते हैं स्क्रीन पर आकर, कि भाई हमने तो वो स्क्रीन लगा दी थी हमारे एयरपोर्ट पर, लेकिन कहाँ लगी थी? स्क्रीन लगी होती तो उनकी जांच होती मरकजधारियों की, और मरकजधारी चले कहाँ गए? उन लोगों के वीजा ख़त्म हो गए। हमारे देश के नेताओं को, हमारे देश की सत्ता को यहाँ तक नहीं पता लगा कि कब उनके वीजा ख़त्म हो गए, और वीजाधारी जो ख़त्म हो गए वीजा, वो चले कहाँ गए? जी जी जी, उनकी खोज की जी। दाऊद को लाने की बात करते हैं वो एक मरकजधारी मौलाना को गिरफ्तार नहीं कर पाए, कहाँ छुपा दिया मौलाना? देश से कहते हैं, नेताओं से कहते हैं, इसने छुपा दिया, उसने छुपा दिया, तुम्हारी इंटेलिजेंस फैले तो दाऊद दाऊद की बात करें, दाऊद की जगह पर तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश छोड़ के चले गए हैं, जिनको लाने की बात करते हैं और अभी किसी को नहीं ला सके वो, तो क्या इससे और कनेक्शन इनका, गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी मरकजधारियों की? अशोक जी, ये चुनाव के मुद्दे हैं, जब चुनाव आएगा तो माल्या भी चल के आएगा, नीरव मोदी भी चल के आएगा, मेहुल चौकसी भी चल के आएगा, जो लोग चले गए हैं देश छोड़ के वो चल के आएंगे,
लेकिन मेरा अभी ज्वलंत मुद्दा ये है कि ये मात्र और मात्र हिंदू मुस्लिम करने के लिए, इस देश को तोड़ने के लिए, इसको बर्बाद करने के लिए बार बार पे कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे पे लेके 24 घंटे जो चैनल वाले चलाते हैं जी, जो वो उसी पे चलाते हैं, वो ये क्यों नहीं पूछते सरकार से कि भाई दाऊद को बाद में लाना, मेहुल चौकसी को बाद में लाना, पहले उस मौलाना को ढूंढिए जिसने देश बर्बाद कर दिया, जिस देश को घर तो ढकेल दिया उसको पूरे। चलिए अब हम अगली कड़ी में शर्मा साहब से बात करते हैं कि आज का एक ऐसा मुद्दा बनता जा रहा है भ्रष्टाचार, जिससे हर व्यक्ति त्रस्त है, चाहे वो किसी विभाग का हो या किसी राजनीतिक दल का हो या किसी का हो। तो आपकी पार्टी किस तरह से युवाओं को और देश को बचा पाएगी, इसमें क्या आगे कोई कदम बढ़ेगा कि भ्रष्टाचार के लिए आपको ऐसा मुद्दा लाएंगे, ऐसा कदम लाएंगे जिससे देश और राज्य और युवाओं को बचाया जा सके? मेरा प्रयास अशोक जी पिछले 30 साल से जी भ्रष्टाचार पे ही रहा है। तो भ्रष्टाचार कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसको खत्म किया जाए, इसको इसमें कार्रवाई की जाए जी, इसको सजा दी जाए जी, इसको दंडित किया जाए जी जी। और आप देखिए, मैं अभी लेटेस्ट बात बताता हूँ भ्रष्टाचार जी। पूरे 18-15 महीने सरकार रही कमलनाथ सरकार जी, जिसमें सिवाय ट्रांसफर ऑफ जॉब जी, इसका ट्रांसफर, उसका ट्रांसफर, इसका तबादला, उसका तबादला, उसका सस्पेंशन, उसका बहाली, इसके अलावा कोई काम नहीं किया पूरे 18 महीने में कमलनाथ जी। पूरे मध्य प्रदेश को छोड़ दो, मैं एक भोपाल जिले की एक जो 8 तहसीलें कुछ जिले की तहसील रहती है ना, उन तहसीलों में नहीं घूम पाए हूँ जी। ठीक है, इसके बाद में उनकी सरकार चली गई, इसी चक्कर में गई और उन्होंने झूठ बोला किसानों से कि हम तुम्हारा 10 मिनट में कर्जा माफ करेंगे, 10 दिन में तो 10 दिन में कर्जा छोड़ दीजिए, 2 साल में कर्जा माफ नहीं हो पाया जी। दूसरी बात, ऐसे प्रिंट मीडिया के लोग त्रस्त हैं। अभी जैसे अगर आपने कहा कि 10 दिन में कमलनाथ ने या कांग्रेस ने इसका दावा किया था कि हम 10 दिन में कर्जे को माफ करेंगे, हाल ही में इस चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए प्रेमचंद गुड्डू, और अब इस चुनाव से पहले वापस वो अपने घर वापसी हो गई है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस में वापस आ गए। तो जब उस समय कांग्रेस का 10 दिन का मुद्दा था, तो ये बीजेपी ने क्यों नहीं उठाया और क्यों कांग्रेस ने उठाया? उन्होंने एक चीज और भी कही थी कि कहीं किसी 1 लाख रुपए तक का जो कर्जा है वो किसानों का आदेश कर दिया था उन्होंने, वो 2 लाख तक का करने वाले थे, तो क्या ये कहाँ तक सत्य? ये आप देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में घूम आइए जी, मुश्किल से 10% कर्ज माफ हुआ है, वो 50,000 वाला और 1 लाख जी। इसके बाद में इनके पास पैसा था ही नहीं जी, इससे बटोरने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे थे जी। इसके बाद में 2-3 महीने जो उन्होंने सरकार चलाई है, वो ऐसी सरकार चलाई है, आज गई कल गई परसों गई नरसों गई, वो आखिरकार चली गई जी। इसके बाद में आपके शिवराज सरकार आ गई, शिवराज सरकार जब से आई है जी उस वही काम कर रही है। आप देखिए, स्टार्ट ऊपर अपर से लेके और लोअर तक, मैंने परिवहन कमिश्नर को बदल दिया जी, EMC बदल दिया, EMC एजुकेशन बदल दिया, EMC PWD बदल दिया, मैंने आप देखिए बड़े बड़े पदों पर जो काम करने वाले लोग थे जी, जो भले लोग थे, जो भ्रष्टाचार करना जानते थे, डरते थे भ्रष्टाचार से जी, वो उनसे उनको हटा, क्योंकि वो पैसा दे नहीं पा रहे थे उनको, उनको हटा के और करोड़ों रुपया लेके और इन लोगों को जो पहले बैठे हुए थे उन्हीं को उनको दे दिया जी जी। मैं सुभाष जी से जानना चाहूंगा इस विषय में कि ये जो तबादला नीति सभी की चल रही है, तो क्या इस पे कभी रोक लग पाएगी कि वो पार्टी आई तो उन्होंने अपने अपना लिया, ये पार्टी आई तो वो उन्होंने अपने डाली, इस विषय में आपका क्या विचार? जनता का जहाँ तक सोच है, कहने वाले यहाँ तक कहते हैं कि जब सत्ता कांग्रेस की आई थी जी, तो कमलनाथ जी ने करोड़ों रुपए खर्च किए, शायद किए होंगे, पार्टी में पैसा नहीं होगा जी जी, तो उन्होंने अपना उद्योग चला करके वो पैसा वसूल कर लिया। फिर अभी आपकी भी सुनने में आया होगा, मेरे भी सुनने में आया है जी, पूरे संसार में हो गई कि 35-35 करोड़ रुपए विधायक की खरीदी हुई है। हाँ बिल्कुल हुई है, 35-35 करोड़। 35-35 करोड़ में जब विधायकों की खरीदी हुई है, तो शिवराज बेचारा क्या करे? शिवराज जी को भी धन की आवश्यकता है, वो भी उस भ्रष्टाचार में डुबकी लगा के ही ऊपर उछलेंगे, उस पैसे को कहाँ से वसूलेंगे? अधिकारियों से, तो अधिकारी कहाँ से वसूलेगा?
हम आपसे जनता से गरीब लोगों का खून चूस के वो 2 करोड़ देंगे 10 करोड़ वसूलेंगे। तो अधिकारी नेता यदि जैसे अभी आपने पूछा जी, शर्मा जी ने कहा कि लोक आयोग तो EOW आज तक किसी ने किसी पर कार्रवाई नहीं की, करेगा भी नहीं, क्योंकि सारे लोग एक ही थाली के छटके बट्टे हैं। जब वो उनको कमा के देते हैं, ये उनको कमा के देते हैं, नीचे वाले उनको कमा के देते हैं, तो कार्रवाई कौन करे, किस पे करेगा? पूरे के पूरे कुएं में भांग है। अब जैसे आपने अभी मुद्दा उठाया युवा जी, इस भ्रष्टाचार को स्वयं युवा खत्म कर सकता है यदि वो ठान ले, अच्छे से ठान ले कि हमें तो एक अपने बीच का व्यक्ति विधानसभा में भेजना है जी। उस विधानसभा में हमारे मुद्दे को जो उठाएगा, हमारे काम को ये करेगा, भ्रष्टाचार को ये खत्म करेगा, तब वो भ्रष्टाचार खत्म होगा। अन्यथा भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कभी भी कोई भी जन्म ले ले, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमारी नस नस में समा चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद, हम आप दोनों महानुभावों का दिल से स्वागत करते हैं कि आपने हमें समय दिया, और हम अपनी चैनल की तरफ से आपकी युवाओं के प्रति जो सोच है, लोगों के प्रति जो सोच है, उसे हम समाज तक, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और आपका पक्ष रखने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।